Hello everyone, my name is PINKEY KULSHRESTHA. I am from Government RC Khaitan Polytechnic College, Jaipur. आज हम इलेक्ट्रिक हीटिंग यानी कि विद्युत तापन के बारे में पढ़ेंगे जो कि एमई 207 का चैप्टर 5 है. इसमें जो आज हम कंटेंट्स लेंगे वो हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, आर्क हीटिंग एंड डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग. सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक हीटिंग. इलेक्ट्रिक हीटिंग डोमेस्टिक पर्पस एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस दोनों के लिए काम में आती है. डोमेस्टिक में हम इसका उपयोग कुकिंग और हीटिंग के लिए, हीटिंग बिल्डिंग को गर्म करने के काम में लेते हैं, जबकि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम मेटल्स को मेल्ट करने के लिए, हार्डनिंग करने के लिए, टेम्परिंग करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए और वेल्डिंग करने के काम में लिए जाती है. कोई भी हीटिंग, किसी भी हीटिंग के लिए हम बेसिकली एक इलेक्ट्रिक हीटिंग इक्विपमेंट का काम में लेते हैं. जो मोड्स ऑफ ट्रांसफर हीट है बेसिकली तीन तरीके का होता है. पहला होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. जो कंडक्शन होता है उसमें एक सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल पहले गर्म होगा, वो फिर एडजस्टेंट मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर करेगा. ऐसे इस तरह से हीट सब्सटेंस के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर ट्रांसफर होती है, जबकि कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर पहले हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है, उसके बाद में जो चार्ज है वो गर्म होता है. रेडिएशन में सोर्स, जो हीटिंग सोर्स है और चार्ज है, उन दोनों के बीच में काफी गैप होता है. वो बिना माध्यम को गर्म करे हुए सोर्स से हीट चार्ज तक पहुंचती है. अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग. इलेक्ट्रिक हीटिंग के तीन मुख्य एडवांटेज हैं. पहला इकोनॉमिकल, ये सस्ती होती है. क्लीनलीनेस, इसमें साफ सफाई रहती है, कोई धुआं धूल का काम नहीं होता. एब्सेंस ऑफ फ्ल्यू गैसेस, इसमें किसी भी तरह की कोई गैस नहीं निकलती. इजी टू कंट्रोल, इसको आसानी से हम कम या ज्यादा कर सकते हैं. ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, इसके प्रोटेक्शन में लगे हुए होते हैं जो कि हमको प्रोटेक्ट करते हैं. अपर लिमिट ऑफ टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर की अपर लिमिट नहीं है. स्पेशल हीटिंग रिक्वायरमेंट, कहीं भी चार्ज के किसी भी पार्ट पर कोई भी हीट ट्रीटमेंट करना होता है वो हम इससे आसानी से कर सकते हैं. हाई इफिशियंसी ऑफ यूटिलाइजेशन, इसकी क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. बेटर वर्किंग कंडीशन, कोई धुआं धूल नहीं होने के कारण इसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत अच्छी होती है. और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इलेक्ट्रिक हीटिंग हमारे लिए फायदेमंद रहती है. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग. बेसिकली इलेक्ट्रिक हीटिंग दो तरीके की है. एक होती है पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग, दूसरी हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग. पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग होती है वो रेजिस्टेंस हीटिंग और आर्क हीटिंग होती है. ये अगेन सब डिवाइडेड है इनटू द डायरेक्ट हीटिंग और इनडायरेक्ट हीटिंग. जबकि हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग होती है वो इंडक्शन हीटिंग, डायलेक्ट्रिक हीटिंग और इंफ्रारेड हीटिंग होती है. जो इंडक्शन हीटिंग है अगेन वो डिवाइडेड है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीटिंग में. अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग. रेजिस्टेंस हीटिंग दो तरीके की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट हीटिंग में चार्ज के बीच में ही दो इलेक्ट्रोड डालकर हम उसके अंदर करंट पास करते हैं, जिससे ये चार्ज डायरेक्ट गर्म होता है. इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वह हमारे कंडक्शन के ऊपर आधारित होता है. जबकि इनडायरेक्ट हीटिंग में पहले हमको हीटिंग एलिमेंट को गर्म करा जाता है, वह हीटिंग एलिमेंट बाय द कन्वेक्शन चार्ज के अंदर हीट ट्रांसफर करता है. जैसे इसका रेजिस्टेंस हीटिंग के हमारे ये इस डायग्राम से हम अच्छे से समझ सकते हैं. डायरेक्ट हीटिंग में ये चार्ज है, चार्ज को दो इलेक्ट्रोड्स डाल रखे हैं, उसमें करंट पास किया जा रहा है जिससे ये चार्ज डायरेक्ट गर्म हो रहा है हमारा. जबकि इनडायरेक्ट हीटिंग में पहले जो करंट है वो हीटिंग एलिमेंट को दिया जा रहा है, फिर वो उसके बाद चार्ज गर्म हो रहा है. अब बात करते हैं हम इंडक्शन हीटिंग की. इंडक्शन हीटिंग अगेन दो तरीके की है, डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग और इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग. डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग में जो हमारा इस हीटिंग होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन से, जो सेकेंडरी में करंट प्रोड्यूस होता है उसके द्वारा चार्ज गर्म होता है. जबकि इनडायरेक्ट हीटिंग में पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उससे हीटिंग एलिमेंट गर्म होगा और वो हीटिंग एलिमेंट फिर चार्ज को गर्म करेगा. इसमें जैसे हम देख सकते हैं इंडक्शन हीटिंग में, डायरेक्ट हीटिंग में ये एक ट्रांसफॉर्मर एक्शन के लिए बताया गया है. इसमें सेकेंडरी पर चार्ज है
और जैसे ही हम इसमें बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें करंट फ्लो होगा, वो करंट इसके चार्ज को गर्म करेगा, जबकि इनडायरेक्ट हीटिंग में पहले हमारा हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है, उसके बाद में बाय द कन्वेक्शन हमारा चार्ज गर्म होगा। अब बात करते हैं आर्क हीटिंग। आर्क हीटिंग में दो इलेक्ट्रोड के बीच में हाई टेम्परेचर डेवलप किया जाता है, जो कि जिसका की वैल्यू होती है 3000 to 3500 डिग्री सेल्सियस तक। और ये भी दो तरीके का है, डायरेक्ट हीटिंग और इनडायरेक्ट हीटिंग। डायरेक्ट हीटिंग के बीच में या तो चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क प्रोड्यूस होगा, या फिर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में चार्ज आर्क प्रोड्यूस होगा, तो वो डायरेक्ट चार्ज को गर्म करेगा बाय द कंडक्शन। जबकि इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग में दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है और जो चार्ज होता है बाय द कन्वेक्शन उसको चार्ज को गर्म करेगा। जैसे इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, डायरेक्ट आर्क हीटिंग का है कि इसमें ये चार्ज है, उसके बीच में दो इलेक्ट्रोड हैं, उनके बीच में आर्क प्रोड्यूस हो रहा है जो कि डायरेक्ट चार्ज में है। जबकि इनडायरेक्ट हीटिंग में दो इलेक्ट्रोड हैं, उनके बीच में आर्क प्रोड्यूस हो रहा है और चार्ज को हम बाय द कन्वेक्शन गर्म कर रहे हैं। अब बात आती है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को यूनिफॉर्मली गर्म करने के काम आती है। जैसे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हमारे वुड, सिरेमिक और प्लास्टिक एक्सेट्रा, उनको दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एज अ डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाता है, फिर उसके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी करंट का फ्लो किया जाता है, जिससे वे चार्ज उस करंट से गर्म होते हैं। इसके अंदर जो हाई फ्रिक्वेंसी करंट फ्लो करा जाता है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 kHz। पर इसमें एक डिसएडवांटेज है, इस डायलेक्ट्रिक हीटिंग की जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो 50% कम हो जाती है। हम इसको इससे समझ सकते हैं, डायलेक्ट्रिक हीटिंग इसमें दो, ये डायलेक्ट्रिक मटेरियल है उसको दो प्लेटों के बीच में एज ए कैपेसिटर बनाया हुआ है। जैसे इसमें करंट पास करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी करंट पास करेंगे, ये हीट प्रोड्यूस करेगा और हमें हीटिंग मिलेगी। थैंक यू।